हेलो व्यूवर्स, के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो सफ़ेद बालों के लिए है। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं और मैं ऐसा देखती हूँ कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल भी सफ़ेद होने लग गए हैं। तो अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और आप उन्हें काला करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। आज मैं आपको कुछ घरेलू तरीके ऐसे बताऊँगी जिनसे आप अपने बालों को आसानी से काला कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे आपके बाल मजबूत भी होंगे। जो पहला तरीका है बाल काला करने का, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 2 से 3 चम्मच सूखा आंवला लेंगे और उसे 1 लीटर पानी में आप उबालेंगे और उसे आप तब तक गर्म करेंगे जब तक कि आपका पानी आधा रह जाए। ठीक है, जब आपका पानी आधा रह जाएगा तो आप गैस को ऑफ कर देंगे और उसे ठंडा करेंगे। जब पानी ठंडा करने के बाद आप उसे अपने बालों में लगाने के लिए मेहंदी में मिलाएंगे और मतलब वो पानी मेहंदी आप उस पानी में घोलेंगे और अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे और फिर ऊपर से उसमें आप नींबू का रस मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बालों में पैक की तरह आप लगाएंगे। ठीक है, फिर आप उसे 1 से 1.5 घंटे के लिए अपने बालों में लगा रहने दें। इसके बाद साफ पानी से आप अपने बालों को धो लेंगे। इसको आपको 15 दिन में एक बार करना है और अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसे शुरू में हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो तरीका है बालों को काला करने का, उसके लिए आप क्या करेंगे, नारियल का तेल लेंगे और उसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। फिर उसमें आप 4 ग्राम कपूर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप उससे अपने बालों की मालिश करेंगे और इससे आपको अपने बालों की मालिश करने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार इसे अपने बालों में लगाना है। इससे आपको अपने बालों में बहुत ही अच्छा फर्क नजर आएगा, आपके बाल मजबूत भी होंगे और काले भी होंगे। ये 2 तरीके हैं बाल काला करने के। आप इन दोनों में से अपने लिए कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं जो आपको सही लगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।